अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद शबा। देखिए आज मैंने रेसिपी लेके आई हूँ पिज़्ज़ा, सिंपल पिज़्ज़ा। तो चले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। डो बनाने के मैंने लिया 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ईस्ट, नीम गरम पानी तकरीबन 2 कप। उसमें मैं 1.5 चम्मच ईस्ट मिक्स कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें 2 चम्मच मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करके तो हम इसे साइड पर रखेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जब तक ये राइज हो जाएगी। तो अगेन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको भी बताती हूँ कि हमने डो बनाने के लिए क्या करना है। ये देखें, फाइन फ्लोर लिया, मतलब मैदा, ऑल पर्पज फ्लोर। इसमें नमक ऐड किया और 1 अंडा ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए हमारा जो ईस्ट है राइज हो गई है, कितनी अच्छी राइज हुई है। तो अब मैं इसकी अच्छे से डो बनाऊंगी। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मैदे में ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे जो ईस्ट वाला पानी था वो अच्छे से मिक्स कर दिया। तो अब मैं इसे हाथ से गूंदूंगी ताकि इसकी अच्छी सी सॉफ्ट हम डो तैयार कर सकें। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ईस्ट वाला पानी ऐड करेंगे। एकदम से नहीं डालना, उससे डो जो है पतली हो जाती है और वो राइज फिर अच्छे से नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। अब बस इसकी हम सॉफ्ट सी, इसको हल्के हाथों से, जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं, बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हल्का, हल्के हाथ से हम इसको सेट करेंगे। अब थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट रहे। बेसिक चीज़ यही होती है डो बनाने की ना, ये स्टेप्स हम अच्छे से सीख जाएं तो हमारा पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, कोई भी चीज़ है, मतलब राइज हुई भी, हमारी ये वाली डो परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल मैंने और लगाया। तो अब ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी से ये सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे ढक के 1 घंटे के लिए साइड पे रख दूंगी। ये देखिए हमारी डो जो है अच्छे से राइज हो गई है। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लिया, ड्राई मैदा। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस मैंने बना के रखा हुआ है, चिकन भी मैंने ग्रिल की हुई है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं मेरा चैनल पे इसकी रेसिपी। तो वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि टाइम कम था इस वजह से मैंने पिज़्ज़ा सॉस और चिकन फ्राई करके रख लिया। अच्छा, अब ये मैंने दोनों पैन जो हैं, एक मैंने लिया मीडियम, एक स्मॉल, उसमें मैंने दोनों पेड़े सेट कर लिए। मैं इसे पिज़्ज़े की शेप दे रही हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बताते चलती हूँ कि मैंने सॉस में क्या क्या ऐड किया था। सॉस में मैंने लिए लहसुन 2-3 जवे लहसुन के, टमाटर 3 से 4, प्याज 1 से 2 अदद। तो बस इसको अच्छे से ग्राइंड किया, थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने कुक कर लिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी रेड चिली। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका सॉस का कलर आया है। तो अब जो है मैं चिकन लगा रही हूँ। चिकन भी मैंने सेम मसाला जो घर के होते हैं, जैसे नमक, मिर्च और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा बस ऑयल डाल के चिकन को फ्राई किया। तो साथ मैंने मसाले डाल दिए, सिंपल फ्राई किए। और बिल्कुल भी इसमें कोई भी बाजारी फ्लेवर नहीं ऐड किया,
मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल में जो मैंने लिया है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इसको हम अच्छे से पूरे पिज्जे पे फैलाएंगे। और 180 डिग्री पे मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है 10 मिनट के लिए। तो अब मैंने इसको बेक कर लिया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है।